अब लैक्टोज के बारे में पढ़े ना आप लोग, लैक्टोज किसमें पाया जाता है दूध में, याद है? लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। और लैक्टोज भी एक डाई शर्करा होता है, लैक्टोज भी एक डाई शर्करा होता है, सब याद रखो। लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। और लैक्टोज क्या होता है? एक डाई शर्करा होता है। और जो लैक्टोज होता है इतनी याद करो, लैक्टोज जो होता है वो बनता है जानते हो, अच्छा इसको दूध शर्करा भी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दूध शर्करा किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे? लैक्टोज से। लैक्टोज को दूध शर्करा कहते हैं। अभी किससे मिलकर बना होता है ये भी जान जाओ, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर क्या होता है? बना होता है। बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर के बना होता है। लगभग दोनों की संरचना सेम होती है, दोनों की संरचना क्या होती है? सेम होती है, दोनों की संरचना सेम होती है। चलो चले हम लोग बनाए इसको, आओ। तो पहले तो लिख लेते हैं इसको लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज देखो, यह एक डाई सैक्राइड होता है, यह डाई सैक्राइड होता है। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। यह मतलब इसे लिखो, इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं, इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं, इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं, याद करो। इसे क्या कहते हैं? दुग्ध शर्करा कहते हैं। यह बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज टोस तथा बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। कौन बनता है? लैक्टोज। औरतों में लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, पुरुषों में नहीं पाई जाती, लेकिन पुरुष में भी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन विकसित नहीं होती, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स नहीं पाए। आप इसमें देखो ध्यान से, गैलेक्टोज और ग्लूकोज को कैसे आप बनाएंगे? अब आ जाएंगे लैक्टोज की संरचना, लैक्टोज की संरचना। देखिए जैसे आपका सेम टू सेम वही बात होगी, जो बात आपकी होती है वही बात इसमें भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए तो इसमें एक पॉइंट और लिख लेंगे कि इसमें कार्बन एक, माने जो ग्लाइकोस होता है उसका कार्बन एक, और जो ग्लूकोज होता है उसके कार्बन चार के बीच में ग्लाइकोसाइड बंध बनता है। इसमें ग्लाइकोस के कार्बन एक तथा ग्लूकोज के कार्बन चार के बीच ग्लाइकोसाइड बंध बनता है, ग्लाइकोसाइड बंध बनता है, ठीक। बना ले इसको हम लोग लैक्टोज की संरचना, एकदम बेंजीन का संरचना आप लोग बनाइए सब लोग। यहाँ पर वो दिखा दीजिए, सटाइए का मत इसमें सुना, इसका भी वैसे ही बनाइए। और यहाँ पर कार्बन एक दो तीन चार पाँच, यहाँ
पर एक दो तीन चार पाँच, अब जानते होंगे कि एक बीटा की बात होगी तो बीटा में ओ एच इधर आता है तो यहाँ पर एच दिखा दीजिए, यहाँ पर ओ एच इधर एच ओ एच छोटा नंबर पर ओ एच 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 सी एच टू ओ एच इधर ओ एच। कहानी इसका भी वही होती है ओ एच एच ओ एच 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 ओ एच हिम्मत नहीं मना लग ओ एच 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 सी एच टू ओ एच। तो कार्बन एक और कार्बन बीच के कार्बन चार के बीच में ग्लाइकोसाइड बंद बनता है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाला हिस्सा ये जल बन करके बाहर निकलेगा। देखो मैं जो बना रहा हूँ, क्योंकि दो एच हो जाएंगे एक हो जाएगा तो एस टू आपके बाहर निकल जाएगा, एस टू आपके बाहर निकल जाएगा। देख लो ध्यान से, दो एच है एक है तो बना दे, हटा दे बाहर, तो हटाओगे तो इस तरीके से बन जाएगा। ये वो जो होगा बीच में आ जाएगा इस तरीके से, वो बीच में आ जाएगा और इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडी बंद, ग्लाइकोसाइडी बंद। ये चित्र जो बनाया गया है ये लैक्टोज के चित्र है। लैक्टोज के चित्र बना लो।